नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हम है अमरूद की बगिया में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि अमरूद की बगिया कैसे ग्रो करते हैं, कैसे कल्टीवेशन होता है, हार्वेस्टिंग कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होता है। आपके कई सारे कमेंट आए थे कि संतोष भाई हमें अमरूद के बारे में जानकारी चाहिए। तो दोस्तों आज हमें महाराष्ट्र में बारामती में, तो यहाँ पे हमारे साथ आज है अमित रूपनवार सर। नमस्कार सर। नमस्ते जी। तो दोस्तों इनको बहुत ही एक्सपीरियंस है खेती में, इनकी 10-15 एकड़ खेती है, उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसे कि इनका 4 एकड़ यहाँ पे ये अमरूद की बगिया है, थाईलैंड वैरायटी है, और इसके साथ साथ ये अंजीर की खेती करते हैं, उसके बाद अनार की खेती है, और आपने क्या बताया अभी जैसे कि मेरे पास कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल है, एप्पल बेर है। तो दोस्तों इनको जो फलों में कई सारा अनुभव है, बहुत सारा, तो आज हम उनसे लेने वाले हैं पूरा डिटेल में। और आज का वीडियो बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो अमित सर हमें ये बताइए कि आपका ये जो अमरूद की बगिया है यहाँ पे कितना एकड़ की है और इसमें कौन सी वैरायटी है अभी? संतोष भाई जैसे बताया आपको पहले कि टोटल 4 एकड़ मेरा अमरूद का बगीचा है। अच्छा। हाँ, तो इसमें बड़ा जो बगीचा है ये 1 एकड़ का है, छोटा है वो 3 एकड़ का है। अच्छा। तो ये थाईलैंड 7 वैरायटी है। अच्छा। जो मोस्टली बड़े पे अमरूद में ये थाईलैंड बेस ही इंडिया में आया है। अच्छा। तो जो भी वैरायटी बेस थाईलैंड का ही है, हम पहले इंपोर्ट करते थे इंडिया में तो थाई गावा नाम से आता था, तो अभी इंडिया में वही होने लगा है और अब यहाँ से इंडियन गावा करके एक्सपोर्ट होने लगा है। तो चलो अच्छी बात है हमारे लिए कि फार्मर, बहुत सारे फार्मर इसमें ये बड़ा वाला अमरूद लगाने चालू किया है। अच्छा, ये बताइए कि अपने भारत में जो है अमरूद की खेती कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कौन कौन सी अलग अलग वैरायटियाँ इसमें आती हैं? अच्छा, ये ऐसा फ्रूट है जो सबसे सस्ता, अच्छा खाने में, हेल्दी एज़ कम्पेयर टू एप्पल, एप्पल से भी बहुत अच्छा है। तो इसकी लागत हम 5 डिग्री कम से कम टेम्परेचर और 45 डिग्री हायर टेम्परेचर तक कर सकते हैं। तो मेजोरिटी बर्फ का इलाका छोड़ के हम, और कोकोन का थोड़ा बहुत इलाका छोड़ के, पूरा इंडिया का जो वेदर है इसके लिए सुटेबल है। हाँ। और वैरायटियां कौन कौन से आती है? और इसमें वैरायटी है जो बड़े अमरूद में आती है, वियना रहे, ये थाई 7 जो थाईलैंड का बेस है, ताइवान करके अंदर से रेड है, और इंडियन वैरायटी में जैसे लखनऊ L49 बोलते हैं आपका, फिर सफेदा है। हाँ। कई सारे वैरायटी आती है, बहुत सारी वैरायटी है। और ये जो आपका पौधा है अभी ये कितने दिन का हो चुका है और क्या मतलब अभी इसका सेटिंग वगैरह कैसा है? देखो ये 28 महीने का पेड़ है और इसका ये सेकंड क्रॉप है। हमने क्रॉप पहले एक्चुअली 1 साल होने के बाद ही पहला फर्स्ट फ्रूटिंग लिया था, बट जनरली 15 महीने के बाद लेना चाहिए। और ये सेकंड क्रॉप में हम देख रहे सेटिंग इतना अच्छा, बढ़िया सेटिंग हो गया है ऑलरेडी। ये बारिश के पहले हमारा इसका सेटिंग हुआ था, ये सेटिंग आप देख रहे हैं, इसका सेटिंग यहाँ पे देखिए, इस साल बारिश से थोड़ा आगे पीछे हुआ। हाँ, आगे पीछे हुआ है, बट जो अभी लेट सेटिंग निकला तो ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा सेटिंग हुआ है। आप अंदर से देखेंगे तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा सेटिंग। हाँ, मैंने देखा, मैनेजमेंट आपका बहुत ही बेहतर है। हाँ, तो अभी इस पेड़ पे करीब करीब 150 से 200 फ्रूट्स हैं और हमें जेम तेम 25 किलो इसके ऊपर पकड़ लेना है। तो इसकी कैपेसिटी 25 किलो है, तो मैक्सिमम हमें 50 फ्रूट रखना है और हायर लिमिट 60 फ्रूट, बचा हुआ सब फ्रूट निकाल के लेना है। तो अभी इसको प्रूनिंग हो जाएगा, इसका सेग्रीगेशन हो जाएगा, एक एक फ्रूट रखेंगे, जो अच्छे हेल्दी फ्रूट है वही रखेंगे हम, और टारगेट रखेंगे 25 किलो पर पेड़ आना चाहिए। अच्छा, तो मैं मतलब बेसिक चीज़ आपको पूछता हूँ, एक ज़रूरी बात, एकदम सिंपल भाषा में आप बताइए कि 1 एकड़ में इसके पौधे कितने लगते हैं और कितने बाय कितने पे लगाने चाहिए? और यस, ये थाई 7 वैरायटी है ना, ये मोस्टली अमरूद ऐसी है हाई डेंसिटी में हम पैदास कर सकते हैं, जिसमें कम एरिया में ज़्यादा उत्पाद ले सकते हैं। ये बगीचा हमने 12x8 पे लगाए हैं और जो छोटे नए वाले बगीचे हैं जो हम 12x6 पे लगाए, 12 इसलिए रखा है कि हमारा छोटा ट्रैक्टर है तो स्प्रेइंग अंदर से ट्रैक्टर करेगा, इंटरक्रॉपिंग का जो भी ऑपरेशन है वो ट्रैक्टर कर सके। अभी हम बोलते हैं 135 करोड़ की जनता हमारे पास है, बट काम के लिए कोई लोग मिलेगा नहीं, तो कम से कम मैन पावर यूज़ करके हमें एग्रीकल्चर करना है, तो ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू हमने स्पेसिंग रखा है। और 6 से 8 फीट आपके लैंड की क्वालिटी के हिसाब से आपको बीज का, पेड़ टू पेड़, प्लांट टू प्लांट
डिस्टेंस रखना है। पौधे कितने हो जाएंगे एक एकड़ में? अभी जैसे आप 12x6 लगाते हैं तो 600 पौधे होते हैं। और 6x12 से जब हम पौधा लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी लगा हुआ है, हाँ। तो पौधा लगा देने के बाद इसको जमीन का पीएच क्या रहना चाहिए और इरिगेशन सिस्टम क्या यूज करते हैं? हम ड्रिप से देते हैं। जमीन इसको चुनखड़ी नहीं चाहिए, बेसिकली अमरूद को चुनखड़ी में वो नहीं आएगा। और हायर लिमिट पीएच है आपका 9 के ऊपर पीएच है तो इसको तकलीफ होगा, ग्रोथ नहीं होगा, बाकी सब टाइप की जमीन में आता है। और एक चीज बताइए कि जैसे कि हमने 6x12 पे लगाते हैं तो बीच में जगह बहुत जाती है, हाँ। तो इस जगह का कुछ हम लोग फायदा उठा सकते हैं क्या? यस, अमरूद में अनार जैसा और अंगूर जैसा नहीं है। अमरूद में आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं, जैसे आप इस साइड पे देखेंगे वीडियो में तो आपको पता चलेगा कि हमने मेथी डाला है, बाकी है धनिया डाला है, तो आपको बहुत सारी सब्जियां दिखेगी। तो उससे दो बेनिफिट है, हमारा अमरूद का रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है, दूसरा चीज है ह्यूमिडिटी बढ़ता है। अमरूद के लिए सेटिंग के टाइम पे ह्यूमिडिटी चाहिए तो उससे अच्छी सेटिंग हो जाती है, आपको ड्रॉपिंग नहीं मिलेगी। तो दोनों चीज होता है, इसका रूट डेवलपमेंट होता है पेड़ का और आपको इंटरक्रॉप से इनकम भी आता है। तो इंटरक्रॉप भी ऐसा लेना है जो पेड़ को दिक्कत नहीं, कंपटीशन नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ। और जब हम अमरूद का पौधा लगा देते तो कितने दिन बाद अमरूद हार्वेस्टिंग पे आ जाता है? लगाने के बाद वैसे तो 6 महीने से उसको फ्लावरिंग चालू होता है बिकॉज ऑफ ग्राफ्टिंग का है, बट रिकमेंडेड है कम से कम 15 महीना उसका पेड़ का डेवलपमेंट करो, आप नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाओ। जैसे कि यहाँ पे बता दीजिए, जैसे देखो आप नीचे से मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे कट दिया था आपको 2-3 ब्रांच आया है ना, हाँ। फिर यहाँ पे कट देने के बाद ये देखो ये साइड पे आया, फिर यहाँ पे कट देने के बाद यहाँ पे 2 आया, नीचे आया, यहाँ पे कट देने के बाद ऐसा 2-2, जैसे यहाँ पे कट दिया था यहाँ पे, तो इधर एक ब्रांच यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ऐसे फ्लावरिंग ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ाना है। तो इसमें एक टेक्निक है अमरूद में नंबर ऑफ ब्रांच कैसे बढ़ाने का, जैसे कि आपका एक सिंगल स्टेम है उसको आप ग्राफ्टिंग के ऊपर 1 फुट पे कट किया, 2-3 आ जाएगा, 2-3 आने के बाद फिर वो 2-3 फुट पे जाएगा, फिर चार नंबर पत्ता बोले तो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिक्कत, हाँ, एक एक दो तीन चार, ये कैसा, ये 2 से 3 फीट हो गया, एक ब्लैक ब्लैक होने आने लगा है ना, ब्लैक हो गया, तो आप चौथे पत्ते पे इसको कट करना है, इसको आगे का माल लेके, फिर माल की नहीं, आपको पेड़ को बनाना है वो टाइम पे। अच्छा, जिस टाइम पे पेड़ को बनाना है उस टाइम पे कट करना है, पेड़ को डेवलप करना है तो नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ाना है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आपको 2 से 3 फीट पे जाएगा तो ये यहाँ से ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे आपको कट करना है, यहाँ पे आप कट करेंगे तो यहाँ से 2 नई ब्रांचेस आ जाएगी, स्प्राउटिंग हो जाएगा, हाँ, हाँ। फिर और वो 2-3 फुट पे जाएगा, फिर उसको 4 पत्ते पे कट करना है, तो आपका नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ता है, और नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ता है तो आपको नंबर ऑफ फ्रूट बढ़ेगा, सिंपल कैलकुलेशन। पेड़ को बड़ा नहीं करने का, पेड़ को छोटा ही रखना है, नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ाना है, उसका बूंदा नीचे है स्टेम उसको बढ़ाना है, उसका स्टोरेज बढ़ाना है। पहले 15 महीना उसको फ्रूट नहीं लगना है, फ्रूट नहीं लेना है, 15 महीना उसका पेड़ को डेवलप करना है, उसके बाद हमें उसको फ्रूट के लिए रेडी करना है। और जो फ्रूट के लिए रेडी करेंगे उसी टाइम 3 पत्ते पे कट करना है, जब फ्रूट के लिए रखेंगे हम तब 3 पत्ते पे कट करना है। अभी समझो यहाँ पे हमारा फ्रूट आया, ये फ्रूट आया, यही है ना, ये हम अभी जून में हार्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है, तो जून हार्वेस्टिंग करने के बाद हमें सितंबर में रेडी करना है नेक्स्ट सीजन के लिए। अच्छा। तो हम यहाँ पे 3 नंबर पत्ते पे इसको कट करेंगे पत्ती, तो यहाँ से और शूट आएगा, ये 3 नंबर पत्ते पे कट करेंगे, यहाँ से नए शूट आएंगे, शूट के साथ फ्लावरिंग फेंकेगा, साल में एक ही बाहर लेंगे, एक ही इसमें एक ही बाहर लेना है। इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, 600 पेड़ लगते हैं 1 एकड़ में 12x6 के हिसाब से, 6-15 महीने के बाद इसको पहला कट लेना है, वो टाइम पे पर पेड़ 10 किलो का एवरेज हम रखते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर में हम रखते हैं करीब कभी 20 किलो के आसपास, थर्ड ईयर में हम, ये हमारा सेकंड ईयर है, 20 से 25 किलो पेड़ के हिसाब से रखते हैं, और थर्ड ईयर में हम रखते हैं कि हमारा टारगेट है 25 से 30 किलो। फिर भी मैं सिंपल कैलकुलेशन रखता हूँ, थर्ड ईयर में 25 किलो से भी पर पेड़ आता है हमारा उत्पादन, तो 600 पेड़ का 15 टन माल होता है, और 15 टन का 40 रुपये कम से कम रेट मिला तो भी अच्छा इनकम आता है फार्मर को। अच्छा, इनकम हो, मेरे ख्याल से गन्ने से हमारे फार्मर को इसमें अच्छा इनकम मिलेगा, तो लोगों ने क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना चाहिए। सही कहा। तो और सबसे जरूरी चीज ये है कि मान लीजिए हमने जब इसका प्लांटेशन किया
तो खास खास बातें क्या देना पड़ता है जैसे फर्टिगेशन हुआ और शेड्यूल में स्प्रे शेड्यूल में? तो इसका फर्टिगेशन है मेरे पास, मैं आपको दे दूंगा। इसमें हम पहले है ना गोबर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो कंपोस्ट मोस्टली, गोबर एज इट इज नहीं, कंपोस्ट में ज़्यादा फोकस करें तो कंपोस्ट हम डालते ज़्यादा, कंपोस्ट के बाद थोड़ा जीवामृत का ड्रिप से दे रहे और फर्टिगेशन का जो शेड्यूल है वो हिसाब से हम फर्टिगेशन कर रहे हैं। और स्प्रेइंग में खास स्प्रेइंग में इसमें ज़्यादा स्प्रे नहीं होता है, हम करीब करीब 8 से 10 स्प्रे मैक्सिमम हमारा होता है, उसमें 1-2-3 माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे होता है, एक अमीनो एसिड का स्प्रे होता है जो सेटिंग के टाइम पे अच्छा बेनिफिट देता है, और बाकी सिंपल बुरशीनाशक और आपका मतलब इसमें थ्रिप्स माइट्स वगैरह कुछ रहता है थोड़ा सा नॉर्मल, बट वो अर्ली स्टेज में रहता है। और इसके बाद ये अभी आपको जैसे फोम का बात किया था मैंने पहले, तो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद इसको निकाल देंगे, अभी इधर बहुत 6-7 फ्रूट है तो ग्रोथ नहीं होगा, तो ग्रोथ नहीं होगा, तो हमें इसमें 2 ही फ्रूट रखना है, तो बाकी सब निकाल के रखना निकालना है। क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी और साइज आएगा साधारण 400 ग्राम से 1 किलो तक साइज आता है, तो ये 2 ही रखेंगे। फिर ये थोड़ा बड़ा होने के बाद इसके ऊपर हम फोम डालेंगे, फोम के ऊपर एक प्लास्टिक बैग आता है जैसे ये स्टेज पे, ये जो अमरूद है ये स्टेज पे हम वो करेंगे। अच्छा हाँ, ये स्टेज पे ये वाला इस पे मतलब फोम डालेंगे। हाँ, फोम डाले, अभी देखो इसमें लेट फोम डाला है ना, तो फोम नहीं डाला है लेट, अभी जो अर्ली सेटिंग वाला है ये थोड़ा छोटा है, तो ये साइज जो हो गया है ना, तो इसमें हम अभी स्टेज में इसका जो पत्ता, इस साइड का पत्ता थोड़ा कट करेंगे और इसमें फोम डालेंगे, फोम के ऊपर न्यूज प्लास्टिक बैग डालेंगे और प्लास्टिक बैग के ऊपर न्यूज डालेंगे, न्यूज पेपर डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि अंदर से कि इसका पेस्ट का अटैक कुछ नहीं होगा, फंगिसाइड आपका पूर्ण कीर और रोग कुछ भी नहीं आएगा, प्लस सन का जो इफेक्ट है सन से जो सनबर्न जो होता है तो इसके ऊपर नहीं आएगा और बहुत शाइनिंग वाला फ्रूट होगा। और साइज इसका आपको मिलेगा 400 ग्राम से लेके 1 किलो तक। तो इसमें थोड़ा सा हमारा अर्ली सेटिंग वाला था मैं बोला ना, तो ये अर्ली सेटिंग वाला फ्रूट है। तो अच्छा एक चीज बताइए मुझे काटते काटते थोड़ा सा, कि इतना हम लोग इसको क्रॉप कवर लगाएंगे, इसको ध्यान देंगे, क्या पड़ते में आएगा ये अमरूद? हाँ देखो ना, ये क्रॉप कवर नहीं लगाया तो ऐसा हुआ है। हाँ, ये, मतलब हाँ, मार्केट में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो इसको रेट नहीं मिलेगा आपको। हाँ, रेट रेगुलर अमरूद के जैसा रेट मिलेगा। अच्छा। 25-30 रुपए किलो, बट इसको फोम लगाते तो इसको शाइनिंग ये सब दाग नहीं आते थे। हाँ हाँ, तो ये जो हमने 5-10 फ्रूट जो बारिश के टाइम पे सेटिंग हुआ था उसकी वजह से हमने वो रखे है वैसे ही उसको, हाँ खाने के लिए आप बोल सकते वैसे। तो ये थोड़ा सा अभी भी इतना मैच्योरिटी नहीं आया है इसमें। कैसे पहचानते हैं? साइज भी बनता है इसमें बड़ा, कम से कम 700-800 ग्राम का साइज होता है एक एक अमरूद। हाँ, और इसमें सीड कम होते हैं देखो। और हाँ, तो है सीड इसमें कम ही ये लग रहा है। हाँ, और ये खाने में देखो कैसे है, पकड़ो। इसका रेट अभी 50 रुपये मार्केट में, मुंबई मार्केट अभी चालू है। अच्छा। तो अच्छा रेट है, कम से कम 40 रुपये तक रेट आता है और ये 120-130 रुपये तक हायर रेट रहता है। पहले साल में इसमें क्या इनकम हो सकती है तब भी एक अंदाज आंकड़ा बता। मैं जैसे बोला ना कि प्रति पेड़ हम 10 किलो तक ले सकते हैं, अच्छा डेवलपमेंट होने 15 महीने के बाद पकड़ा तो 10 किलो हम ले सकते हैं। तो हम पहले साल 10 किलो तो 600 पेड़ है, 6 टन माल आएगा, 40 रुपये कम से कम रेट पकड़ा तो आपको 240,000 का फर्स्ट ईयर आएगा एक एकड़ में। हाँ, और खर्चा कितना हो जाएगा? खर्चा आपको करीब करीब 1 लाख का पकड़ के चलिए, 1 लाख तक हो जाएगा। हाँ, उससे कम आता है बट हायर लिमिट आप 1 लाख का पकड़। और इस पौधे की प्राइस क्या थी? अच्छा, ये पौधा जब हमने लाया था तब इसका प्राइस 120 रुपये था एक पौधा। हाँ, एक पौधा। और एक पौधा लगा देने के बाद कितने साल तक चला सकते हैं इसको? इसको 10 से 15 साल, आपका मैनेजमेंट कैसा है। अरे देखो, कोई कोई लोग क्या करते हैं, ज़्यादा उत्पाद आता है ना, अभी इसके ऊपर है 150 से 200 के बीच रहेगा फ्रूट, तो सबको लगता है ज़्यादा पैसा मिलेगा तो सब फ्रूट रखेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे है ना, ये उसका सन है, बेटा है और बेटी है जो भी पेड़ के लिए, तो वो पेड़ क्या करेगा, उसकी मदर है, वो पेड़ मदर है अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए पोसने के लिए वो खुद को मार डालेगी पर पूरा न्यूट्रिएंट उसको देगी। तो हमें वो सोचना है कि इसको जितनी रिक्वायरमेंट है, साइज उसका गहरा कितना है, उसका स्टोरेज कितना है, उसके हिसाब से फ्रूट रखे। अच्छा। और कंटिन्यूस नहीं रहे, उसको भी रेस्ट पीरियड पे रखना है ना, फ्रूट जाने के बाद रेस्ट पीरियड पे रखना है, तो इसका लाइफ 10 से 15 साल तो आराम से मिलेगा।
सेकंड ईयर में इसको 20 किलो, अभी देख रहे हैं आप ये सेकंड ईयर का ग्रोथ हाँ, बहुत ही अच्छा तो सेकंड ईयर में हम 20 से 25 किलो प्रति पेड़ उसकी कैपेसिटी के हिसाब से फ्रूट लेंगे। मैं पकड़ता हूँ 20 किलो भी मिलता है तो अभी 600 पेड़ में हमें 12 टन माल आएगा। बढ़िया बरा, तो 12 टन का भी है ना, आप 40 रुपए से ही पकड़ो, आज 50 रुपए रेट चल रहा है फिर भी आप 40 रुपए से पकड़ो तो भी अच्छा रिटर्न आता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने अमित सर से यहाँ पे इस अमरूद के बारे में डिटेल में जानकारी ली है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो सर से आप बातचीत कर लीजिए। सर का नंबर मैं नीचे डाल दे रहा हूँ, सर आप नंबर बता दीजिए अपना। मेरा नंबर है 7718853201। ओके थैंक यू सर आपका। नमस्ते, धन्यवाद। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको ये अमरूद का कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।